बीती 17 सितंबर को अंबाला की एडीसी एवं आरटीए अधिकारी प्रीति एवं उनकी टीम पर हुए जानलेवा हमले मामले में आज पुलिस ने प्रेस वार्ता रखी। इस दौरान डीएसपी सुल्तान सिंह ने बताया कि आईएएस अधिकारी प्रीति और उनकी टीम पर हुए जानलेवा हमले में एसपी के आदेश अनुसार एसआईटी का गठन किया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभी तक 11 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि हमले में लगभग 50 से 60 लोग सम्मिलित थे, इन सभी की छानबीन की जा रही है। इसके अलावा इस मामले में आरटीए विभाग के पुराने स्टाफ से भी पूछताछ जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी को कहीं भी किसी मामले में इंस्पेक्शन करने जाना हो तो पहले उन्हें पुलिस विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि जितने पुलिस कर्मी उन्हें चाहिए उन्हें मुहैया कराए जाएंगे। 9 को 17 तारीख को हमारे एडीसी आरटीए स्टाफ के साथ बहनों की चेकिंग के लिए निकले थे, जिसमें रूटीन में हर रोज ही करते थे। उस रोज शाम के समय के 7 बजे जैसे चेकिंग करते हुए कंजोगरा थाना के एरिए में पहुंचे तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर जितने हैं उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध के दौरान उन्होंने यहां तक नहीं, पहले तो ये दबाव बनाया कि यहां पर चेकिंग ना की जाए। इसके बाद एडीसी मैडम ने वहां उनको चेकिंग कर जो लोड था वो जारी रखा और उनको चेक करते रहे, ताकि ये ओवरलोड और कोई भी गलत कार्य ये ना करें। इसके बावजूद उन्होंने उस पर आरटीए स्टाफ पर हमला किया। मैडम अपना बचाव करते हुए गाड़ी से वहां से निकली, लेकिन आरटीए स्टाफ की गाड़ी को उन्होंने तोड़ दिया, जिसमें कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आई। इस संबंध में लगभग 50-60 आदमी वो इकट्ठे हुए थे, जिसमें हमने 11 जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 3 आदमी उनमें से हमारे पास रिमांड में है, बाकी मुल्जिमों का भी फोटो के आधार पर या उसका किसी चैनल के आधार पर जैसे गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ओवरलोड गाड़ियों को चेकिंग की जाती है, कभी भी ये सहन नहीं करते कि हमारी चेकिंग हो, लेकिन प्रशासन की ये ड्यूटी है, उसको चेक करेंगे और सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वहां भी विरोध किया, हम वहां भी उनके खिलाफ ये चिन्हित कर रहे हैं कि वो लोग कौन है विरोध करने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। सरकारी मुलाजिमों की ड्यूटी में बाधा डाली है और जानलेवा हमला किया है, इस आधार पर इन सेक्शनों में हमने उनको मुकदमा दर्ज किया।